मौजूद हैं। तो सबसे पहले जानू कटोच आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम जानू कैसे पड़ा? मम्मा पापा की लव मैरिज हुई थी तो शायद इसी वजह से जानू ना हो गया। तो एंड्रयू आपका सफर किस तरह से स्टार्ट हुआ? मेरा सफर जब मैं स्कूल में था 8th क्लास में, तो तब से फिर मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया। एक्चुअली पहले मुझे शौक था म्यूजिक का, लेकिन इतना नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने गिटार सीखा, वायलिन सीखा, कीबोर्ड सीखा, तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं सिखाता भी हूँ। तो जानू कटोच जो मल्टी टैलेंटेड है, उनके सफर के बारे में भी जानेंगे। पहले आप उनकी आवाज सुनिए जो बहुत ही सुरीली है, अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा इनके गाने सुन के। तो हम चाहेंगे एक गाने से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। कहीं भी जाता हूँ तो मम्मी हर जगह साथ में होते हैं, तो माँ को याद करके शुरू करता हूँ। तो एक माँ के गाने से शुरुआत करेंगे आज के शो की, ठीक है? दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी शीतल है, तू कितनी बोली है, तू कितनी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ मेरी माँ। बहुत बढ़िया। और जसलीन, अगर हम माँ की बात करें, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो हमें जन्म देने वाली माँ हो, उनके प्यार को हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल, मुझे लगता है माँ के साथ एक ऐसा रिश्ता होता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, माँ मुश्किल में क्यों ना, पर कभी भी वो अपने बच्चों को जो है उस वक्त से नहीं गुजरने देती, अपने ऊपर वो सारा संकट ले लेती है। पर हमेशा एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहती है। बिल्कुल, इसी के साथ हाल ही में जिस तरह से खबर आई है कि जल्द ही माता वैष्णो देवी के दर्शन भी श्रद्धालु कर सकेंगे, तो उसी के साथ मैं चाहूंगी, चलो बुलावा आया है, अब तो ये डिवोशनल गाना हम सुनना चाहेंगे। उसकी मैं एक लाइन ट्राई करूं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ मस्त हवा हो का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जसलीन, जिस तरह से सिंगर के साथ साथ हमारे साथ आज एक्टर और कॉमेडियन भी मौजूद है, अब क्या सुनना चाहोगे? गाने भी सुनेंगे मैं चाहूंगी, जिस तरह ये मल्टी टैलेंटेड है तो क्यों ना कोई डायलॉग या एक्टिंग भी जो है वो भी देखी जाए। गानों के साथ साथ बीच बीच में एक्टिंग भी करते रहेंगे, क्योंकि ये एक्टिंग जहाँ पे मैंने सीखी थी तो उन्होंने मुझे 4 महीने के बाद बताया कि एक्टिंग क्या होती है। मैंने बोला क्या होती है? बोलते कैमरे को अवॉइड करना, बस यही एक्टिंग है। मैंने बोला अगर 4 महीने पहले बता देते तो शायद मेरे पैसे बच जाते थोड़े से। तो एक गाना है, क्योंकि जो ऐसी घड़ियाँ होती हैं, क्योंकि संसार में दो ही चीज़ें सत्य हैं, जो आया है उसे जाना है, तो जिसने जन्म लिया उसको एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों रुपए भी हैं वो भी यहीं पर रह जाएंगे। और जो ऐसी घड़ियाँ होती हैं जब हम लोग फैमिली में बैठते हैं या किसी ग्रुप में बैठते हैं या फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, तो बड़े
नसीबों वाले लोग होते हैं उनको मिलती है। गाना बड़ा प्यारा था, शायद आपका फेवरेट होगा, हर एक तीसरे बंदे का वो फेवरेट होता, तो मैं कोशिश करूँगा उसको गाने लग जा गले। स्पेशल आप दोनों के लिए, हम चारों के लिए। हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, जी बल के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से पास आइए के हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोने जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। तो बिल्कुल जसलीन, ये तो सबका ऑल टाइम फेवरेट गाना है ही, और आपसे जानना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में। सफ़र मेरा, मैं 8th में था तो हमारे गांव में रामलीला होती थी और एक नरसिंह भगवान जी का मंदिर है जिंदरा में, तो वहां पे भजन होते थे शाम को, तो मैं भी चाहता था कि मेरे को भी एक भजन गाने का मौका मिले, क्योंकि मेरे दादी जी घर पर गाते थे, कोई सत्संग कीर्तन होता था, तो मेरा भी था कि मैं भी एक दो भजन मुझे आता था, पर वहाँ पर बड़ा कम मौका मिलता था, वो भी लोग होते थे, कभी कभी मौका मिल जाता था गाने का। फिर जब गाना शुरू किया तो फिर रेगुलर मौका मिलना शुरू हो गया। फिर वहाँ पर रामलीला होती थी तो मैं रोज आता कि मुझे कुछ ही बना दे यहाँ पे, कुछ भी आरती के लिए खड़ा कर दे, चाहे द्वार वालों बना दे। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि मैंने श्रवण का, फिर उसके बाद वहाँ पर सीता का रोल मैंने 3 साल वहाँ पर स्टेज पर किया हुआ है, 9th में 10th में 11th में शायद 12th में भी किया हुआ है। फिर उसके बाद कटरा में एक डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर मैंने 1st राउंड में 3rd प्राइज लिया, फिर फाइनल तक गया मैं। उसका जर्नी यहाँ से चलती रही, फिर एक्टिंग का भी साथ में चलता रहा मेरा। तो जिस तरह से आपने बताया कि बालाजी एकेडमी से आप एक्टिंग भी सीख रहे हैं, तो कोई एक डायलॉग आपका फेवरेट हमारे दर्शकों को सुना दें। एक डायलॉग फेवरेट, मैं अपना एक फिल्म का, मेरे अपनी फिल्म का डायलॉग है वो मैं बताता हूँ, खुद लिखा हुआ है कि वक्त खराब है मैं इसलिए मौन हूँ, वक्त खराब है मैं इसलिए मौन हूँ, एक दिन ये दुनिया सबको बताएगी कि मैं। बहुत बढ़िया। और बता दे कि रिसेंटली जिस तरह से आपने बताया आपने मूवी भी की है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और मेरे ऑल टाइम फेवरेट थे टीवी में हितेन तेजवानी जी, जिनका कसौटी जिंदगी की, फिर उनके उसके बाद आपने जो मानव पहले वाले चले जाते तो उनको रिप्लेस उन्होंने किया था, तो वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड भी हैं, कोई भी मैं काम करता हूँ अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ से मेरे लिए बाइट बना के भेजते हैं, तो उनके साथ फिल्म करना एक बहुत बड़ी बात है। उनके साथ फिल्म की है मैंने, यहीं पर भद्रवाह में शूट हुई थी और उसका नाम है नोवल पीस। और बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी लॉकडाउन में वो फेस्टिवल के लिए गई हुई थी, मेरा स्पोर्टिंग करेक्टर है उसमें, और उस फिल्म को 10th जो दादा फाल्के अवार्ड होता है बेस्ट जूरी का मिला हुआ है जी। तो जसलीन, अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत का, जो शौक अभी तक नहीं कोई भूल पाया है, उसको लेकर भी हम गाना सुनेंगे। और क्या बिल्कुल जिस तरह जानू आपने बताया कि आप उनसे आपकी मुलाकात भी हुई, तो हम चाहेंगे कि वो पल आप फिर से हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताएं। ये है December 5 की बात है, मुंबई में मैं था तो किसी फ्रेंड के थ्रू मैं उनके साथ मिला, उनका ये शायद यही फिल्म का सेट लगा हुआ था, उनकी वैनिटी में हम बैठे थे, 20 मिनट मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे यही बताया कि जिंदगी में अगर कहीं कुछ करना है, एक लगन और नीयत जो होती है वो साफ होनी चाहिए, और इंसान को दो रास्ते होते हैं कहीं भी जाने, एक शॉर्टकट होता है एक होता है लंबे वाला रास्ता, अगर लंबे वाले रास्ते से जाओगे तो आपको एक, जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा कठिनाई देखते हो तो वो आपको जब मिलती है उसका स्वाद अलग होता है, और डोगरी में कहते हैं कि जरा आंवले का स्वाद है वो खाने के बाद पता चलता है, 2-4 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद पता चलता है, और उन्होंने मुझे ये बताया कि जिंदगी में नीयत
और लगन जो है मेहनत करना और जिंदगी में आपको जो है सफलता मिलेगी। और 20 मिनट मेरी बात, फिर उन्होंने मुझे साथ में मुझे शाम को देखा, मैं नाम बता के आया था, तो उन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दिया। जैसे उन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया कि इसका मुझे लगा कि उनको मेरी बातें या कुछ अच्छा लगा, तो तभी उन्होंने मुझे फॉलो किया, तो आज तक मैं उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है इंस्टा। तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत का भी गाना सुनेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगी एक डोगरी गाना आप हमारे दर्शकों को सुना दें। चन मारा चढ़या ऊपर रजोरिया, चन मारा चढ़या ऊपर रजोरिया, बन जाया पखरू ते मिल जाया छोरिया, बन जाया पखरू ते मिल जाया छोरिया, मिलना जरूर मेरी जाने हो, मत आ गए बसोत मेरी जाने हो। जसलीन क्या आप सुनना चाहोगी? बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया, तो पूछना चाहूंगी आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? और फ्यूचर गोल्स, हर हफ्ते एक कवर सॉन्ग करता हूँ और साथ में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो एक्टिंग क्लासेस भी लेता हूँ, और एक और फिल्म अभी रिसेंट अक्टूबर में यहीं पर शूट हो रही है, मेरे अच्छे नोइंग डायरेक्टर हैं वो जूली मैम है, अभिनव कश्यप की टीम से हैं वो, और राम जी हैं वो मुंबई में 18 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी ये पहली जम्मू में पहली फिल्म है, बेस्ड वहीं से सारा कुछ आ रहा है, सारा प्रोडक्शन हाउस वगैरह, तो वहाँ पे मेरा एक स्पोर्टिंग करेक्टर उनके साथ कर रहा हूँ। इसके बाद मेरी एक और जो पहली फिल्म थी मेरी, वो मतलब थोड़े किसी वजह से रुकी हुई है, तो उसका भी शूट शायद हम दिसंबर में स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत को एक गाना डेडिकेट कर दीजिए। न मारेगी दीवानी दी मेरी, मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तू खफा है, जिद किस बात की तेरी, के मारेगी जे आगा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, जानसार है जानसार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानसार है। बहुत बढ़िया। अब उनका एक बहुत अच्छा गाना है जो मेरा भी फेवरेट है, जब तक की दो लाइन्स अगर आप गुनगुना दें। मैं आपको लास्ट में वो सुना दूंगा। और इसी के साथ जिस तरह से आपने गाया था, एक कॉमेडी शो भी आपने किया था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि कितना जरूरी होता है दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, कितना चैलेंजिंग होता है बेसिकली? मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना, क्योंकि रुलाने में क्या, दो थप्पड़ मारे तो, जहाँ किसी को ताना मीना मारे तो वो रो देता है, और सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना। और कपिल शर्मा जी को आप जानते हो, आइडल मानता हूँ उनको कॉमेडी का, कितने लोगों के चेहरे पे आज उन्हें हर एक बच्चा बच्चा जानता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को सब बच्चे जानते हैं, पहले नहीं पता होता था कि कौन प्रधानमंत्री है देश का, आज सबको पता है, छोटा सा 2 साल का बच्चा भी होगा तो कौन है हमारा प्रधानमंत्री, तो बोलता ही है, तो वैसे ही कपिल शर्मा को भी छोटे से छोटा बच्चा हर